आमजन की जन समस्याओं के जल्द निस्तारण को लेकर पूरे प्रदेश में हर माह के पहले और तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में जनता दरबार का आयोजन तहसील स्तर पर किया जाता है, जिसमें जनता द्वारा अपनी शिकायतों को प्रशासन के आला अधिकारियों को बताया जाता है और प्रशासन के आला अधिकारी उन समस्याओं का निस्तारण पूरी गुणवत्ता के साथ करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में तहसील सदर के सभागार में एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया की अध्यक्षता में तहसील सदर का संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 शिकायतें प्राप्त हुई, जबकि कुछ का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष बची शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया और एक सप्ताह में शिकायतों के निस्तारण करने के लिए आदेश दिए गए। एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा ने बताया कि आज संपूर्ण समाधान दिवस में पुलिस, राजस्व, जमीन पर अवैध कब्जे संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है और शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया। सर, आज संपूर्ण समाधान दिवस आयोजन किया गया, कितनी शिकायतें लगभग आई हैं और क्या क्या शिकायतें? मेरे सामने करीब 27 शिकायतें आई हैं, सामान्यतया रेवेन्यू की ही ज्यादातर शिकायतें थी। और अभी तक तो एक इलेक्ट्रिक की आई थी, एक सप्लाई की आई थी और रेवेन्यू की आई थी। क्या रहा सर उसमें, कितनी समस्याओं का निस्तारण रहा है अभी? अब उसमें एक का डिस्पोजल तो हम लोगों ने यहीं पे कर दिया है, क्योंकि वो कोर्ट से मसला था, संबंधित था। बाकी 3-4 मामलों में हम लोगों ने लेखपाल को बुला करके उनके विषय मध्यस्थता कराई कि लेखपाल जाकर के कर देगा। एक प्रकरण ऐसा भी आया था जिसमें वो लेखपाल जा नहीं रहे थे, तो बार बार उनको अपनी वर्ग को निर्देशित किया गया कि इस वर्ष को कर करके आए। एग्जैक्टली आती हैं, क्योंकि अगर उनकी शिकायत अगर दूर नहीं हुई तो निश्चित तौर पर वो आएंगे। हमारी कोशिश भी यही रहती है, शासन की भी कोशिश यही है कि वो दोबारा ना आने पाए। सामान्यतः कभी कभी काम की अधिकता भी होती है और कभी मौसम साथ नहीं देता है, कभी बीमार पड़ जाता है, तो कई बार रिपीट हो जाता है, लेकिन आई थी एक शिकायत। इस मौके पर एसपी सिटी अखिलेश कुमार भदौरिया, एसडीएम सदर परमानंद सिंह, तहसीलदार सदर नितिन तेवतिया, खंड विकास अधिकारी प्रज्ञा यादव आदि तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।